दोस्त। चलो भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। फ्रॉग देखो दोस्तों, रिकॉर्डिंग एंड अ प्रोग्रेस, चल स्टार्ट दोस्तों। अच्छा सब लेता हूँ। ए सी डी एक रास्ता बनाया था, ये रास्ता बनाया था, और ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है। ठीक दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा पोजीशन दोस्तों हमेशा याद रखना, प्रोसेस पाथ। यहाँ पे मैंने आपको चार चार दिए हैं, कितने प्रोसेस पाथ हैं? चार प्रोसेस, और पहला दोस्तों एक बात बोलने जा रहा हूं, बहुत अच्छी वाली बात बोलने जा रहा हूं। प्रोसेस पाथ ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर किया है उतना ही वर्क बोला जाता है। फिर से एरिया कवर्ड बाय प्रोसेस पाथ, बराबर है सर। ज्यादा एरिया कवर करेगा तो ज्यादा वर्क डन, कम एरिया कवर करेगा तो कम वर्क डन। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, अब बता दे। अब तो देखो, जैसे कि रास्ता नंबर वन, तो दोस्तों सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया? फोर ने। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, W4 इज मैक्सिमम। बोल हाँ या ना? ठीक है, तो Q4 इज ग्रेटर देन Q1। बोल हाँ या ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन सर मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? बिकॉज इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, लिख ले कहीं पे काम में आएगा। इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द पोजिशन, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन दी फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन। ठीक है, बोल हाँ या ना? ठीक है, तो दोस्तों बोलो, नीट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं हिंदी जैसे, क्या आंसर लिखोगे आप? ठीक है, ए मान लो हाँ, मैं मेरी तरफ से ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ, मेरी तरफ। आपको ये पूछा है एग्जाम में, आपको ये पूछा है। अब दोस्तों ऑप्शन में बताइए, वर्क डन आप कैसे लिख पाओगे? वर्क डन कैसे लिख पाओगे? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस डन है बेटा, क्लियर है? क्लियर है तो भ्रमित नहीं होना, बात सही समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो डन है? हाँ तो बोल दिया, स्माइल तो दे दे यार, चल यार तेरे ऐसा कौन है यार। मैं सही में दोस्तों, आई एम बाय बाय बोर्न, बाय बर्थ, मैं मतलब माय सेम नेचर फ्रॉम माय बचपन टू बचपन, नहीं बचपन नहीं, 34 यार, ऐसा मत करो यार, इतना भी बूढ़ा नहीं दिखता। जनरली बोलना कितना एज दिखता है मेरा?
यदि आपने 33 से ज्यादा किसी ने बोला तो आज के लेक्चर का 10 बार लिखने दूंगा। अब बोल कितनी है जन, ठीक है चला जाए दोस्तों। मेरे साथ जो जो मेरे दोस्त पढ़ते थे एमएससी में और बीएड में, दोस्तों आप नहीं मानोगे, उन सबकी जो आप तोंद देखो ना खाली ऐसा, तो पहले जब भी वो आते ना तो उनका पेट आता है, आधे घंटे बाद वो आते हैं दोस्तों, ऐसा सीन हो गया उनका। सही बोल रहा, आधे घंटे पहले उनका पेट आता है फिर वो आते हैं दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा पेट हो गया दोस्तों, और बोलते हैं यार देखा आई एम टू स्लिम, तंबूर और स्लिम वाला, स्लिम देखना है तो हल्के सर को मिल जाके तू क्या बात करता है दोस्तों। तो क्लियर है बोल, कितना अच्छा डिजाइन, ऐसे जो क्वेश्चन नीट में पूछते बोला आप क्या नहीं करोगे। अच्छा दोस्तों चैप्टर बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मैं 4 प्रोसेस चलाऊंगा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि चैप्टर 11 देख रहे हो आप नीट का, नीट देखा कृषिदा, कौन है नीट के लिए, कौन yes, sir. देखा तूने चैप्टर 11? यस। कितने पार्ट्स देखे? 6 देखे, अभी 2 आए वो बाकी है। कितने देखे हैं? 6 तक। कैसे रहे सही बोलना? अच्छा इस बार सारे सम्स भी इंक्लूडेड है तो मतलब अलग अलग। थैंक यू बोलती नहीं है फिर, ऐसा कितना ले लूंगा 3 में, बहुत मैंने बुलाया आपको दोस्तों, बहुत दिल से वीडियो बनाया, चैप्टर 11 12 के भी शूट हो रहा है, 13 भी मैं लूंगा नीट में, 13 14 15 सर उससे थई गयो छू जोर डाले ना, 5 चैप्टर तमाम केम खबर थी दोस्तों, चैप्टर 11 नीट में हर साल एक क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल JEE नहीं नीट में 2 क्वेश्चन है चैप्टर 11 में से, कल देखो आप ट्राई करना, और JEE में एक क्वेश्चन फिक्स है हर साल, लेकिन JEE थोड़ा टफ लेवल पूछते हैं। मैं नीट वाले बच्चों को चाहूंगा, यदि आपको इंटरेस्ट पड़ रहा हो ना फिजिक्स में दोस्तों, तो टाइम है तो जीके भी लेक्चर्स जो मैं अंदर सम चला तो वो स्किप नहीं करना वीडियो में, वो भी देखना तो आपको थॉट क्लियर होगा, मजा आएगा, ठीक है चलो बाकी बोलिए क्या हालचाल। अच्छा मैंने चैप्टर 11 जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बच्चे हैं एनसीईआरटी वाले, कितने वीडियोस आए आपको? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, कितने वीडियोस आपने देखे चैप्टर 11 के? अरे बोल रहे झंडू मैम, हेलो भाई, क्या वीडियो नहीं है, ऑडियो कुछ नहीं है, क्या रे मैं अकेला बोल रहा हूँ क्या? क्या क्यों क्या हुई है, सब क्या हो रहा है दोस्त आज, क्यों बिहेव लाइक पराया? मैं दाढ़ी वालो बाओ उड़क्यो मने, आप लोगों की याद में दोस्त शेविंग नहीं कराइए दोस्त, इतना याद आ रहा है आपका? मैं अगर ठीक है जान दो, कुछ नहीं जान दो, आप जैसा कौन हो, चलो भाई मिलते हैं दोस्तों, दूसरा लेक्चर है।